ओम नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण विश्ववासी भारतवासियों को रोग मुक्त अभियान के तहत हम बहुत दिनों से रोगों पे काम कर रहे हैं, भारत को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे ऋषियों की नित्य परंपरा जो निरोगी भारत की जो श्रृंखला है, और हमारा सबका ऋषियों का सपना था कि भारत कभी अस्वस्थ ना हो। और पहले प्राचीन काल में जो पद्धति थी, वही पद्धतियों का हम प्रचार करते हैं। गुरुकुलीय पद्धतियों से जो सीखा है वही आप तक पहुंचाते हैं। और उसी प्रकार की औषधियों का वैद्यों के द्वारा हम नाड़ी परीक्षण करते हैं खुद, और वैद्यों के द्वारा इस उपचार करवाते हैं। आप लगातार ऑनलाइन हमसे काफ़ी समय से सभी जुड़े हैं। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेज भेजे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। सभी लोग अपनी अपनी बीमारियों के बारे में हमें पूछते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है कि ये जो खट्टी डकार आती हैं, ये क्यों आती हैं और इनका क्या उपचार है, इनसे कैसे मुक्ति मिले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खट्टी डकार जो होती है वो अम्ल पित्त की वजह से आती है। आपका जो पित्त है, यानी कि तीन प्रकार की ही व्याधियाँ शरीर में होती हैं, वात, पित्त और कफ। तो जिनके शरीर में पित्त का दोष है, यानी कि पित्त का दोष जिनको होता है, उनका पाचन तंत्र लीवर से जो है कमज़ोर हो जाता है, उनका लीवर जो है ऑयली होता है। और जिनका लीवर ऑयली होता है उनको पित्त का प्रॉब्लम होता है। और जिनको भी खट्टी डकार आती है, जिनको पित्त का प्रॉब्लम है, उनको मुक्ति के लिए सबसे पहले चाहिए कि वो पेट को साफ रखें। और जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता है, उन लोगों को जो है अम्ल पित्त की बीमारी बनती है और उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो हमको चाहिए कि जो एंटी एसिड जो चीज़ें हैं उनको हम यूज़ करें, और कोशिश करें कि हम ठंडे से बचें। ठंडा पानी, ठंडा भोजन, आइसक्रीम, बर्फ़ आदि, इनसे हमेशा बचे रहें। तो बहुत सारा आपके रोग में जो है सहायता आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, आपको खट्टी डकारों से मुक्त होना है तो भोजन करते समय भोजन को चबा के खाएं, बहुत जल्दी भोजन ना करें। और भोजन कम से कम जो भी आप ग्रास लेते हैं मुँह में, तो कम से कम उसको 32 बार, 36 बार, 30 बार दाढ़ों से चबाएं, 15 बार एक दाढ़ से चबाएं, दूसरी तरफ पलट के उसे दूसरी दाढ़ से चबाएं। पूरा रस उसका जीभ पे बन जाना चाहिए, क्योंकि ऑयली लीवर होने के कारण पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है लीवर को। तो इसके कारण जो है फिर आपको ये अम्ल पित्र बनता है, और उससे फिर आपको डकार आती है, और वो भी खट्टी आती है। और खट्टी डकार जब आप बाहर करेंगे, कभी वॉमिट करेंगे, उल्टी करेंगे, तो आपको दिखेगा कि हरा और पीला पानी आपके मुँह से बाहर आता है। तो ये नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही जो है अम्ल पित्त की वजह से आती हैं। और ये दोनों प्रकार के जो लैट्रिन है या तो उल्टियां हैं, ये छोटे बच्चों को हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे का जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहता है और बहुत वर्किंग नहीं करता है। तो कभी कभी माँ का आहार मजबूत पड़ता है तो बच्चे को इस तरह का रोग हो जाता है। तो आपका आहार जो है उसमें जिनको भी खट्टी डकार आती है उनको चाहिए कम से कम 3 महीने तक वो तला हुआ ना खाएँ, पूड़ी ना खाएं, समोसे ना खाएं, और कोई भी मैदा का सामान ना खाएं, मैदा सा बना हुआ। तो आपको उसमें ऐसे नेचुरल ही प्राकृतिक ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जिनको खट्टी डकारों के लिए औषधि के रूप में कुछ चाहिए तो उनको शाम को हल्का भोजन, दोपहर को हल्का भोजन और सुबह सलाद आपको लेना है। और कोशिश कीजिए कि दोपहर का अगर भोजन आपसे छूट जाए 1 महीने के लिए, तो आप बहुत जल्दी इससे मुक्त हो जाएंगे, अम्ल पित्त से, खट्टी डकारों से। और पानी जो है एक बार में एक घूंट पानी पिए, बार बार पानी पिए चलेगा, पर एक बार में एक दो गिलास दो या एक दो लोटा पानी जिन्हें को पीने की आदत है, ये उचित नहीं है। इससे भी बहुत सारा एसिड तैयार होता है और डायरेक्ट किडनी को ये पानी जाके इफेक्ट करता है और प्रभावित करता है, ब्लैडर को। इससे हर्निया हो सकता है, पथरी हो सकती है किडनियों में, और पित्त में पथरी हो सकती है, तो और भी कई रोगों को जन्म होता है। इसलिए खाने और पीने, बैठने और चलने की जो पद्धति है वो शास्त्रयुक्त होनी चाहिए। किसी विद्वान के, ज्ञानी के द्वारा ही ये चीज़ें भी सीखी जाती हैं। इसीलिए किसी भी बच्चे को जन्म लेने के बाद में योग्य माँ चलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, बोलना सिखाती है, नहीं तो वो नेचुरल भी चलना बोलना सीख सकता है, पर वो जिस तरह सामाजिक चाहिए वैसा नहीं सीखता। इसीलिए वो मनुष्य समाज में पहले से ये प्रथा है, तो हमें सब चीज़ सीखनी चाहिए कहीं ना कहीं से। कभी कभी घर से ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो हमारे जैसे लोग हैं जो विशेष जान रखते हैं इन चीज़ों पे, तो आप वहाँ आके सीख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम आपको उपदेश देते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं, आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके अगर खट्टी डकार आती हैं तो आपको चाहिए कि अजवाइन लें आप, और अजवाइन को उसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक डालें और नींबू निचोड़ करके उसे गीला कर लें। 100 ग्राम अजवाइन में आधा नींबू बहुत है, और हल्का सा सेंधा नमक और हल्दी ला लें,
और हल्के से गर्म तवे पे उसे सेक लें, सेक के रख लें। सुबह खाली पेट आधा चम्मच फक्की करके चबा लें, गर्म पानी ले लें। रात को सोते समय आधा चम्मच चबा लें और गर्म पानी लेके सो जाएं। आपके जितने भी खट्टे डकार आने के है वो सब कुछ आपका खट्टे डकार का अम्ल पित्त का जो रोग है वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। और कोशिश ये कीजिए कि आपका पेट सुबह साफ होना चाहिए। उसके लिए औषधि भी आप ले सकते हैं, हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। दो गोली रात को गर्म पानी से ले लें जिससे पेट आपका स्वस्थ रहता है और बाद में पेट को गोलियों की आदत नहीं पड़ती है, आते हैं अपने आप ही ताकतवर हो जाती है। ऐसी हमने दवा तैयार की हुई है। और अगर आपको दवा नहीं मंगानी है तो भी आप अगर सुबह सलाद लेते हैं, दोपहर को पपीता खाते हैं, शाम को भोजन लेते हैं और सोते समय थोड़ी अजवाइन जमा करके मैंने जो बताया गर्म पानी पीकर सो जाते हैं तो आपको खट्टी डकार कभी नहीं आएंगी और आपका पित्त हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप YouTube के माध्यम से अपने रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भेज सकते हैं अपना प्रश्न और जानकारी आप यहाँ से समय समय पर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।